दोस्तों मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स का लास्ट हिस्सा जो है वही फैमिलीज, और फैमिलीज का लास्ट पार्ट इज द फैमिली लिलीएसी। लिलीएसी ये फैमिली एक मोनोपॉड फैमिली है। दिस इज द मोनोपॉड फैमिली दोस्तों। इसको हम ओनियन फैमिली बोले तो प्याज फैमिली बोल सकते हैं। इट कैन बी रिकॉग्नाइज्ड बाय द ओनियन। ओनियन फैमिली है ये। इसके पहले यहाँ पे उदाहरण लिखता मैं आपको अंदाज आएगा ये फैमिली कैसी है। ओनियन, गार्लिक, ट्यूलिप, लिली, इसीलिए इसको लिली एसी बोलते हैं। लिली ये जो फैमिली है ये दीज आर एक्चुअली एस्परेगस शतावरी, इनकी फैमिली इज द लिलीएसी फैमिली। ये फैमिली किस तरह से, मतलब इसके प्लांट्स हैं दोस्तों, इसके जनरली तो हर्ब्स प्लांट्स हैं, हर्ब्स हैं। इनके जो स्टेम होते हैं वो जनरली अंडरग्राउंड स्टेम होते हैं, यू नो दीज आर हैविंग द अंडरग्राउंड स्टेम, अंडरग्राउंड। मैक्सिमम समय तो इनके जो बल्ब्स होते हैं, ये बल्ब्स दीज आर जनरली हैविंग द बल्ब्स, बल्ब्स कॉर्म्स, राइजोम, ये सब स्टेम के अंडरग्राउंड स्टेम के प्रकार है। दीज आर ऑल द टाइप्स ऑफ अंडरग्राउंड स्टेम। बरोबर, तो इनका लीफ कैसा है, ये तो स्टेम हुआ, इनका लीफ कैसा है। लिलीएसी फैमिली के लीफ जो होते हैं वो जनरली बेसल होते हैं, अल्टरनेट होते हैं, पैरेलल विनिशन मोनोपॉड है, पैरेलल विनिशन मोनोपॉड की प्रॉपर्टी है। कई बार ये ऐसे ट्यूबुलर लीफ होते हैं, जैसे ओनियन और गार्लिक के लीफ ट्यूबुलर है, मे बी ट्यूबुलर, फ्लैट नहीं बल्कि ट्यूबुलर, कांदेची पातो उसमें हवा भरते बच्चे, इट इज हैविंग द ट्यूबुलर। ये तो हुआ लीफ। इसका मतलब इन्फ्लोरेसेंस कैसा है, हाउ इज द इन्फ्लोरेसेंस। दोस्तों इसका इन्फ्लोरेसेंस अम्बिलेट टाइप साइमोस है, अम्बिलेट जो एक साइमोस का प्रकार है, इट इज साइम इन्फ्लोरेसेंस, साइमोस इन्फ्लोरेसेंस, इट इज अम्बिलेट इन्फ्लोरेसेंस। ओके, अब आते हैं हम मेन पॉइंट पे, हाउ इज द फ्लावर। अब ये फ्लावर कैसा होता है, हाउ इज द फ्लावर ऑफ द फैमिली लिलीएसी। लिलीएसी फैमिली का फूल मतलब कांदे, जिन्होंने कांदे का फूल देखा है, प्याज का फूल देखा है, लहसुन का फूल देखा है, उनको समझ में आएगा वो सफेद वाला पुष्प गुच्छ, उसको हम इन्फ्लोरेसेंस बोलेंगे। सो हाउ इज द, यू कैन से द फ्लावर ऑफ द, यू नो लिलीएसी फैमिली। कोई भी चीज तो ये कंप्लीट फ्लावर है। दूसरी बात, फ्लावर जो है वो एक्टिनोमॉर्फिक है, गोल है, फ्लावर राउंड है, एक्टिनोमॉर्फिक। तीसरी बात, ये फ्लावर बाइसेक्सुअल है। हाउ द फ्लावर इज, इट्स अ बाइसेक्सुअल फ्लावर। इसके बाद यू नो द फ्लावर जो है उसके पास कैलिक्स, करोला ऐसे दो अलग हिस्से नहीं है, पेरियांथ प्रेजेंट है, पेरियांथ के 3+3 ऐसे 6 टेपल्स है जो फ्यूज्ड है। उसके बाद आता है नंबर एंड्रोशियम का। एंड्रोशियम के पास यू नो 6 स्टेमन्स है, ये टेपल्स है, 6 स्टेमन्स है, स्टेमन्स, और ये स्टेमन जो है वो एपिफाइलस है, एपिफाइलस मतलब पेरियांथ को अटैच है, एपिफाइलस स्टेमन्स है। और जो गाइनोशियम है वो ट्राई कार्पेलरी, तीन कार्पेल्स है। इसके अलावा ओवरी के पास 3 लॉक्यूल्स है, ओवरी ट्राई लॉक्यूलर है, ओवरी ट्राई लॉक्यूलर है, एक्साइल प्लासेंटेशन, प्लासेंटेशन एक्साइल, एक्साइल प्लासेंटेशन।
ये सब हम एक फ्लोरल डायग्राम के फॉर्म में देखेंगे। एक बात और कि टेपल्स के अंदर जो एस्टिवेशन है वो वेलवेट एस्टिवेशन है, इट इज वेलवेट एस्टिवेशन। तो हम क्या करेंगे, इस फैमिली का पहले एक फ्लोरल फॉर्मूला लेंगे और उसके बाद में एक फ्लोरल डायग्राम निकालेंगे। लेट अस सी हाउ इज द फ्लोरल फॉर्मूला एंड हाउ इज द फ्लोरल डायग्राम। दोस्तों इसका फ्लोरल फॉर्मूला इस तरह से, द फ्लावर इज एक्टिनोमॉर्फिक, फ्लावर इज बाइसेक्सुअल लाइक दिस, पेरियांथ हैविंग यू नो सिक्स टेपल्स विच आर यूनाइटेड, एंड्रोशियम के पास यू नो सिक्स स्टेमंस है और वो पेरियांथ से कैसे ही अटैच है, हाउ इट इज अटैच्ड विद द यू नो पेरियांथ, और ये सारे स्टेमंस इन 3+3 यू नो सिक्स इनके साथ में जुड़े हैं, इसके साथ में टेपल्स के साथ में। गायनोशियम विथ 3 कार्पल्स एंड सिंकार्पस कंडीशन विच इज हैविंग अ सुपीरियर ओवरी। अब इसका एक फ्लोरल डायग्राम हम देख सकते हैं, हाउ इज द फ्लोरल डायग्राम ऑफ द यू नो फैमिली लिलिएसी। इसका फ्लोरल डायग्राम इस तरह से निकाल सकते हैं हम, दीज आर ये जो निकाल रहा है ये सब टेपल्स है, वट आर दीज यू नो टेपल्स ऑफ द फ्लावर, और इस तरह से लाइक दिस। ओके, और दीज आर ऑल द टेपल्स विच आर हैविंग यूनाइटेड कंडीशन, दीज गैमो फाइल्स एंड दीज आर द स्टेमंस। ये कौन है, ये सब स्टेमंस है जिनका कंडीशन कैसा है, इट इज एपिफाइलस कंडीशन, मतलब टेपल्स को अटैच है, दे आर ऑल अटैच टू द टेपल्स लाइक दिस एंड लाइक दिस, दिस इज द ओवरी विच इज ट्राइलोक्यूलर एंड हैविंग 3 लॉक्यूल्स विथ एक्साइल प्लासेंटेशन। ये रहा एक्साइल प्लासेंटेशन, एक्साइल। ओके, तो ये है इसका फ्लोरल डायग्राम ऑफ द फैमिली लिलिएसी। नाउ व्हाट इज यू कैन से इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है। दोस्तों ये फैमिली भी कमर्शियल है क्योंकि ओनियन है, गार्लिक है, प्याज है, लहसुन है, इनको बेचा जाता है। फ्लावर्स कई ट्यूलिप के फ्लावर्स है, लिली के फ्लावर्स है, बेचे जाते हैं, और इसका मेडिसिनल इंपॉर्टेंस भी है, जैसे कि एस्पेरागस जो है वो काफ़ी ज़्यादा आयुर्वेदा में इम्पोर्टेंट प्लांट है, इज यू नो यूज एज ए मेडिसिनल प्लांट। सो दिस इज द अबाउट मोनो यू नो एक मोनोकॉट फैमिली है, इट इज लिलिएसी फैमिली। व्हाट इज दिस फैमिली कॉल्ड, लिलिएसी। एग्जाम्पल क्या है, ओनियन एंड गार्लिक, ठीक है। इसके फ्लावर्स कैसे है, एक्टिनोमॉर्फिक है, गोल फ्लावर्स है, ये पेरियांथ के 6 टेपल्स है, पेरियांथ मतलब कैलिक्स प्लस करोला, सो 1, 2, 3, 4, 5 और 6, 6 यू नो 3+3 पेरियांथ अटैच है, 1, 2, 3 और 1, 2, 3। उसके बाद एंड्रोशियम के 6 स्टेमन एंड गायनोशियम के 3 कार्पेल विथ ओवरी ट्राइलोक्यूलर। जब ओवरी में आप ऐसा देखते हैं, ये ओवरी है और इसके इस तरह से पड़े हैं 3 लॉक्यूल, 1, 2 और ये 3, और ये एक्साइल प्लासेंटेशन, इस तरह से प्लासेंटेशन एक्साइल एंगल से निकल रहे हैं, क्या निकल रहे हैं। दिस अबाउट द लिलिएसी फैमिली, थैंक यू वेरी मच। Thank you.